Sanjay Raut. Sanjay Raut, 3 minutes. 3 minutes. 3 minutes. Yeah, everybody 3 minutes. इतने लोग शहीद हो गए. हो गया. इसलिए 3 minutes. आपको आधा घंटा शहीद कर दीजिए. आधा घंटा. मैं पूरे सदन की बात. अब ऐसा कीजिए, बाहर जाकर आधा घंटा बोलोगे. बोलिए. इधर 3 minutes. बोलना क्या? बाहर तो मैं बोलता रहूंगा. डेप्यूटी चेयरमैन सर. ओके. मैं उस मुंबई का और महाराष्ट्र का निवासी हूँ, प्रतिनिधि हूँ, जहाँ से 9 अगस्त को ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक भारत छोड़ो का नारा दिया गया. महात्मा गांधी जी ने मुंबई से वो नारा दिया था. मुंबई आज पूरे देश को मनी सेंटर, मुंबई आज मनी सेंटर बन गया है. मुंबई का जो चरित्र है, आर्थिक राजधानी हमने बना दी है. लेकिन एक जमाने में मुंबई देश की स्वतंत्रता संग्राम की राजधानी थी. मुंबई के लाखों मिल मजदूर, गरीब जनता मिल के, जो मिल में काम करने वाले लाखों 200-300 मिल में जो मजदूर काम करते थे, वो हमारे आज़ादी के सिपाही थे. 9 अगस्त को जब गांधी जी ने नारा दिया, तब सभी नेताओं को पकड़ लिया. लेकिन लड़ने वाले मिल मजदूर थे जो सड़क पे उतरे, लाठियां खाई, गोलियां खाई, शहीद हो गए आज़ादी के लिए. लेकिन आज़ादी के बाद ये मिल मजदूर, 4 लाख मिल मजदूर शहीद हो गए. हम उसको नहीं बचा पाए. ये भूख से मर गए, बेरोजगारी से मर गए. ना उनको घर मिला, ना उनको रोजगार मिला, ना उनकी हम भूख मिटा पाए, ना उनकी अगले पीढ़ी को हम बचा पाए. तो ये मिल मजदूर भी शहीद हो गए. हम उनको भी याद करना चाहिए जिसने आज़ादी की लड़ाई सही मायने में लड़ी थी. सर, भारत छोड़ो आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि उस आंदोलन में हर कोई नेता था. सिर्फ गांधी जी नेता थे या बड़े बड़े आपने जो नाम लिए, सभी नेता थे. लेकिन जो सामान्य आदमी था, जो मिल मजदूर था, जो श्रमिक था इस देश का, वो नेता था. मैं आज़ाद साहब का भाषण सुन रहा था. आज़ादी का आंदोलन सिर्फ एक पार्टी की मोनोपोली नहीं थी. सभी विचारों के, सभी धर्मों के, सभी जाति के लोग इस आंदोलन में शामिल थे. गांधी जी थे, पंडित नेहरू थे, लोहिया साहब थे. आपने डॉक्टर अंबेडकर का नाम नहीं लिया, मैंने सुना. लेकिन वीर सावरकर जी, क्या आपको भूलने, कांग्रेस को भूलने की बीमारी है? आप भूलो मत. देखिए, माफी की बात आप मत करो. आप देखिए, अगर मैं ये कहूँगा कि पंडित नथुराम भी देशभक्त था, गांधी हत्या का निषेध करते हैं, लेकिन सभी देशभक्त इस देश में थे जो आज़ादी के, जो आप एक दिन अंडमान जाके रहिए, आपको पता चलेगा. आप एक दिन रहिए आंदोलन में, आप एक अंडमान में जाके एक दिन रहिए, मंडाले में जाके एक दिन रहिए. आप वीर सावरकर को नहीं भूल सकते. प्लीज अलाउ टू स्पीक सर. इस आंदोलन में अहिंसा ने काम किया है. लेकिन इस देश में ऐसे बहुत से क्रांतिकारी थे जिसने बम बनाए, जिसने ब्रिटिश पार्लियामेंट पर बम फेंके हैं, जिसने बंदूकें उठाई है. हम उनको भी याद करना चाहिए. इसीलिए ब्रिटिशों के मन में दहशत फैल गई थी. सर इतिहास का एक महत्वपूर्ण पन्ना है. महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों को भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में आजादी की अंतिम लड़ाई की घोषणा कर दी थी, जिसमें जिस आंदोलन से अंग्रेजों के मन में दहशत फैल गई. 9 अगस्त देश की जनता की उस इच्छा की अभिव्यक्ति का एक नारा था. गांधी जी ने कहा था कि हमें आजादी चाहिए और हम आजादी लेके रहेंगे. गांधी जी ने इस अवसर पर कहा था, मैं एक ही चीज लेने जा रहा हूँ, आजादी. आपको एक मंत्र देता हूँ, करेंगे या मरेंगे. आजादी डरपोकों के लिए नहीं है, जिसमें कुछ करने की और त्याग करने की हिम्मत है. कोई आजादी नहीं दे सकते.
नहीं सर, एक मिनट सर, अभी बैठे, नहीं नहीं, नो टाइम प्लीज, नो 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 सर, सर यू ऑलरेडी टेकन फोर मिनट्स आज भी, नो प्लीज सर, आज भी हम जैसे हमारे जेटली साहब ने कहा था कि आज सबसे बड़ा हमारे सामने प्रश्न है, इस देश में जो हमारे सार्वजनिक मूल्य है, विश्वसनीयता है, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े, उसके लिए जिम्मेदार कौन है, उस बारे में सोचना। नो नो प्लीज, ओके, इस देश में 60 साल तक जिस राज किया है, राजनीति की है, इस देश की विश्वसनीयता को खड़ा किया है श्री नरेश गुजराल, गांधी नथिंग मोर विल गो ऑन रिकॉर्ड, यू हैव टेकन 5 मिनट्स, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड मोर देन दिस, नरेश गुजराल प्लीज स्टार्ट, इट इज नॉट गोइंग ऑन रिकॉर्ड, 5 मिनट्स यू हैव टेकन इन प्लेस ऑफ 3 मिनट्स, सिट डाउन, नॉट गोइंग ऑन रिकॉर्ड, नरेश गुजराल, ओके, नॉट गोइंग ऑन रिकॉर्ड, नरेश गुजराल, आपने 5 मिनट लिया,